नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है मोहन राणा और आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने चेस्ट फैट को रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपके चेस्ट एरिया पर काफी फैट इकट्ठा हो चुका है जिसे लेकर आप काफी टेंशन में रहते हैं? तो घबराइए मत, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे स्टेप जिसे करके आप परमानेंट इस फैट से छुटकारा पा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता करना होगा कि क्या आपको मैन बूब्स की प्रॉब्लम है, क्या सच में आपको गायनोकेमिस्ट्री है जो कि एक मेडिकल कंडीशन है, या आपके चेस्ट पर कुछ एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो गया है। तो दोस्तों, इसका पता करना काफी इजी है। गायनो और चेस्ट फैट दोनों के ही लक्षण बिल्कुल अलग अलग होते हैं। गायनो में जहां आपकी चेस्ट पर हार्ड लंप जैसा बन जाता है, वहीं चेस्ट फैट की बात करें तो वहां सॉफ्ट स्किनी फैट आपकी चेस्ट पर आ जाता है। गायनो में जहां यह कंसंट्रेट होता है आपके निप्पल पर, वहीं चेस्ट फैट में यह आपकी ओवरऑल चेस्ट पर एक फैट की लेयर चढ़ जाती है। रिसर्च बताती है कि गायनो की प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जो लोग एनाबॉलिक स्टीरॉयड ड्रग्स या अल्कोहल का एक्सेस क्वांटिटी में यूज करते हैं। दूसरी तरफ चेस्ट फैट बनता है आपके गलत खान पान पुअर लाइफस्टाइल के कारण। गायनो एक रेयर कंडीशन है और चेस्ट फैट एक कॉमन नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमम चांस यही है कि आपको चेस्ट फैट की प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपको ना तो किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है और ना ही किसी सर्जन के पास। करते हैं उन 3 स्टेप्स की जिससे आप अपना चेस्ट फैट कम कर सकते हैं। नंबर 1, ओवरऑल बॉडी फैट। सबकी बॉडी की अलग टेंडेंसी होती है फैट गेन करने की। कुछ लोग थाइस पर ज्यादा फैट गेन करते हैं, कुछ लोग चेस्ट पर, तो कुछ लोग अपनी आर्म्स पर। स्पॉट रिडक्शन नहीं होता, तो इसलिए अगर आप ओवरऑल बॉडी फैट कम कर लेंगे तो आपका चेस्ट फैट खुद ही कम हो जाएगा। ओवरऑल बॉडी फैट कम करने के लिए सबसे जरूरी है सही खान पान। बहुत ज्यादा हार्ड डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है। हमेशा कम कैलोरी कंज्यूम करना ही सही नहीं होता। कैलोरी किस फूड से आ रही है ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ज्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में मत पड़िए, अपने घर का सादा खाना खाइए। ओवर ईटिंग मत कीजिए, बाहर के ऑयली फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए। रिफाइंड शुगर की जगह हेल्दी स्वीटनर्स को अपनाएं और कोशिश कीजिए अपना रात का खाना 8 बजे तक खाकर आप फ्री हो जाएं और एक अच्छी नींद लें। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी वर्कआउट रेगुलर करें। वर्कआउट रेगुलर करना बहुत जरूरी है। ओवरऑल बॉडी फैट कम करने के बाद आप चाहेंगे कि आपकी चेस्ट एक अच्छी शेप में आ जाए, तो उसके लिए जरूरी है स्टेप नंबर 2, चेस्ट वर्कआउट। बहुत से लोग जानबूझकर अपना चेस्ट वर्कआउट छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि चेस्ट वर्कआउट करने से उनके मैन हुप्स और बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, बल्कि जब आप अपने चेस्ट को हर एंगल से हिट करेंगे तो आपके चेस्ट के मसल के फाइबर ब्रेक होंगे, वहां का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा और आपके फैट लॉस में वो हेल्प करेगा। तो दोस्तों, चेस्ट वर्कआउट जरूर करें, वीक में 2 बार करें। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो उसे घर पर करें। लॉकडाउन के टाइम में मैंने भी यूट्यूब में अपनी चेस्ट वर्कआउट की वीडियो डाली है, तो मे बी वो आपकी हेल्प करेगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और मेरा चेस्ट वर्कआउट देखें, तो चेस्ट फैट को कम करने में आई एम श्योर वो आपकी हेल्प जरूर करेगा। स्टेप नंबर 3, बूस्ट टेस्टोस्टेरोन नेचुरली। हमारी बॉडी में हर एक चीज कनेक्ट है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी चेस्ट फीमेल जैसी हो रही है तो हो सकता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो, जिसके कारण हमें फैट लॉस कम करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो अब जरूरत है कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाएं। इससे आपकी चेस्ट फैट तो कम होगा ही, बल्कि आपकी ओवरऑल बॉडी शेप उसमें भी बहुत अच्छा चेंज आएगा। पूरी बॉडी एक अच्छी शेप में आ जाएगी। तो अब टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली कैसे बढ़ाएं, इसके लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है और उसे यूट्यूब पे अपलोड भी किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप यूट्यूब पर जाएं और उस वीडियो को देखें। चेस्ट फैट बड़ा एम्बेरेसिंग होता है, पर आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप मेरे बताए हुए इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप बड़ी इजीली अपने चेस्ट फैट को परमानेंट रिमूव कर सकते हैं। तो आज से ही इस चेस्ट फैट को एक चैलेंज की तरह लीजिए और इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और परमानेंट इस चेस्ट फैट को रिमूव कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एंड कीप सपोर्टिंग मी दोस्तों, धन्यवाद।